आपके साथ ऋषि शुक्ला और बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उन्नाव मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि ऑनर किलिंग की ओर घूमी हुई है सुई। पुलिस ने एक रिश्तेदार को हिरासत में लिया है। उन्नाव मामले में नया मोड़ सामने आया है। ऑनर किलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है ये मामला। आपको बता दें कि खेत में पड़ी मिली तीन लड़कियां, लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए मिले थे, जिसमें से दो लड़कियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था और एक लड़की की हालत तो बहुत गंभीर बताई जा रही है। उससे पहले तो जिला अस्पताल रेफर किया गया और उसके बाद उसे हैलट रेफर किया गया और हैलट से अब उसे रेजेंसी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा था कि माँ बाप के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो बच्ची का इलाज करा सकें और कैसे भी चंदा इकट्ठा करके रेजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। और एक नया मोड़ जो है वो उन्नाव मामले में सामने आया है। आपको बता दें कि ऑनर किलिंग का मामला ये बताया जा रहा है, प्रथम दृष्टया इसे ऑनर किलिंग की ओर से देखा जा रहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उन्नाव का हृदय विदारक कांड दिखाते हैं। उन्नाव की हृदय विदारक घटना, खेत में बंधी मिली तीन किशोरियां। दो की मौत, एक की हालत नाजुक बताई जा रही। आपको बता दें कि खेत में जानवरों का चारा लेने गई थी तीनों लड़कियां। और सभी के मुंह से निकल रहा था झाग। और सभी के हाथ पैर बांधे गए थे। आपको बता दें कि दो लड़कियां मिली थी खेत में मृत और एक लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। इस मामले को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है, कहा जा रहा है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। अनिकेत, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है अनिकेत से संपर्क नहीं हो पा रहा। विशाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विशाल, इस उन्नाव मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है, इस मामले को ऑनर किलिंग से जोड़ के देखा जा रहा है। बड़ी बात लेकिन यह है कि तीन लड़कियों को ऑनर किलिंग के मामले में ऐसे बंधी हुई मिलना और दो लड़कियों का मृत घोषित हो जाना और एक लड़की जिस तरीके से जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई ऑनर किलिंग का मामला है? देखिए ऐसी, पहले तो अभी जांच पड़ताल में जब पता चला है तो एक सुई उस तरफ घूमी है, उस एंगल से भी तलाश की जा रही है कि उस कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी होना है, पहले चार डॉक्टर के पैनल इस पर पोस्टमार्टम करेंगे क्या चोट के निशान है या नहीं। फिलहाल एसपी महोदय ने कह दिया है कि कोई चोट के निशान नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम जो चार डॉक्टरों का पैनल करेगा वो उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी। एक आपको बड़ी खबर और बता दूँ कि वहाँ पर उन्नाव में जो गांव के लोग थे वो धरने पे बैठ गए हैं। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वो पीड़ित परिवार को परेशान कर रहे हैं। ये बात अभी से नहीं, ये बात कल रात से जब आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह वहां पहुंची है, तब से ये बात कही जा रही है कि वो लगातार पीड़ित पर दबाव बना रही हैं, किसी से बात करने को मना कर रही हैं। अगर बात करें तो सुबह 7 बजे से उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। तो ऐसे कहीं ना कहीं पुलिस नहीं चाहती है कि मीडिया के सामने कुछ भी पीड़ित परिवार बोले, ना तो उनके पिता को अब सामने आने दिया जा रहा है, ना ही उनके घर वालों के आसपास के गाँव जो उनके घर हैं उनके लोगों को भी मना कर दिया है, उन्हें भी आने को मना कर दिया है। मीडिया के सामने कोई आने को तैयार नहीं है, एक तरीके से उन्हें नजरबंद कर दिया है। कहीं ना कहीं पुलिस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पीड़ित परिवार को लगातार परेशान कर रही है, ऐसा आरोप है गांव के लोगों का। यशी,
विशाल, मैं हमें जानना चाहूंगी, हमेशा से हमने ये तस्वीर देखी है कि जब कभी भी इस तरीके के कोई कृत्य सामने आता है तो हमेशा पुलिस सबसे पहले पीड़ित परिवार को परेशान करना शुरू कर देती है, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। हाथरस कांड को हम आज तक नहीं भूले, हाथरस कांड में भी यही किया गया था, परिवार वालों को बिना बताए युवती का शव जला दिया गया था। तो कहीं ना कहीं हर बार हम ये देखते हैं कि पीड़ित परिवार को ही निशाने में क्यों लिया जाता है। थाने में अगर कोई गरीब परिवार जाकर FIR लिखवाने की कोशिश करता है तब प्रशासन यही चीज करता है, पीड़ित परिवार को परेशान करना शुरू कर देता है, उन पर ही दबाव बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके की चीजें आखिर पुलिस प्रशासन कब तक करेगा और क्यों करता है ये काम पुलिस प्रशासन? क्या इसी बात की उनको तनख्वाह मिलती है? देखिए, तनख्वाह उनको जिस बात की मिलती है वो काम अगर सही से करे तो उन्नाव में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद ना हो। ये आपको बता दूं कि DGP महोदय ने 6 लोगों की टीम बना के जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच चलेगी, उसके बाद कौन पकड़ा जाएगा इसकी अभी आप खबर बता रही थी कि एक लोग को, संदिग्ध युवक को उठाया गया है, एक नहीं बल्कि 4 लोगों को उठाया गया। हमारे जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं, लगातार मेरी उनसे बात हो रही है, मैं लगातार उनसे टच में बना हुआ हूं, वो बता रहे हैं कि एक नहीं 4 लोगों को, संदिग्ध लोगों को उठाया गया है, वो गांव के ही लोग हैं। लेकिन अभी पुलिस किसी भी के नाम और किसी को भी सामने पेश होने से बस्ती नजर आ रही है, अभी वो नहीं चाहती है किसी के नाम को खोलना। तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम के बाद हो सकता है ये नाम उजागर हो। और आप दूसरी जो तीसरी किशोरी थी जो हेलेट में एडमिट थी, उसके बाद उसे रिजेंसी रेफर किया गया है जहां उसकी हालत लगातार स्थिर बनी हुई है, जहां वो लगातार जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि अगर उसका इलाज सफलतापूर्वक होता है और वो जो बयान देगी उसके आधार पर जो चीजें खुल के आएंगी फिर चीजें और क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को, संदिग्ध लोगों को, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है ये कौन लोग हैं, क्या इस बात की कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए ऐसी आपको बता दूं, अभी जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उनका साफ कहना है कि ये गांव कर ही लोग हैं, लेकिन अभी ये कौन हैं, कहां रहते हैं, किस तरीके के इनके रिलेशन थे पीड़ित परिवार से या पीड़ित जो मृतक बच्चियां हैं उनसे, अभी कोई बताने को तैयार नहीं और किसी को जानकारी नहीं है। सबने ये बता रहे हैं कि 4 लोग उठाए गए हैं, हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है। जी विशाल, हमारे साथ अनिकेत भी जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पुलिसिया व्यवस्था पर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा लाचार होती चली जा रही है, अभी जो अपडेट सामने आया है वो ये कि ऑनर किलिंग के से जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है, क्या लगता है ये वाकई ऑनर किलिंग का मामला है या हो सकता है? उनको सुने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो पुलिस को ये जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि ग्रामीणों ने ये बताया कि तीनों युवतियों का जो गला था वो उनके अपने दुपट्टे से बंधा हुआ था। हालांकि ये इस बात की तस्दीक पुलिस नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने वो घटनाक्रम नहीं देखा। हालांकि जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके परिवार से जो उनका भाई है उसको भी थाने में बैठाया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही बात की जाए अगर पोस्टमार्टम की तो 11 बजे से पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तस्दीक हो पाएगी कि ये आखिर ऑनर किलिंग है या फिर इसके पीछे कोई और घटनाक्रम रहा है। तो लगातार पुलिस तो अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है, लगातार प्रयास कर रही है अपराधियों तक पहुंचने की। लेकिन सवाल लगातार यशी ये है कि अगर समय रहते, अगर कॉम्बिंग वहां पर बढ़ाई गई होती, अगर वहां के कप्तान साहब अगर भ्रमण पर निकलते, देर रात अगर निरीक्षण करते थानों का जाकर, वहां पर पुलिस व्यवस्था किस तरह से काम करती है, पुलिस पार्टी किस तरह से जमीन पर काम करती है, इस बात की तस्दीक अगर पहले से की जा रही होती तो शायद उन्नाव में दोबारा से ये बड़ा हादसा नहीं होता। इसके पहले भी उन्नाव में बड़े हादसे होते रहे, विधायक से मामला का जोड़कर अगर देख लें तो उन्नाव ऐसा गढ़ बन चुका है क्राइम का सेंटर, और क्राइम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज उन्नाव में जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो तेज होती जा रही है। और बात अगर ऐसे अधिकारियों की तो अधिकारी के पट्टे करने में मसरूफ है, तो सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आते हो? जब कोई आपराधिक घटना जब घटित हो जाती है तो उसके बाद जांच कमेटी बनाई जाती है, तफ्तीश की जाती है, तैयारियां पुख्ता की जाती है, लेकिन अपराध पर पहले से नकेल कसने के लिए कोई भी उचित व्यवस्था प्रशासन के पास नहीं है। बिल्कुल अनिकेत, जब हम कई बार प्रशासन से बात करने भी कोशिश करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हमें पहले से कैसे पता हो सकता है, लेकिन जो जिम्मेदारी है, जिस तरीके से आपको काम करना है, आपको कॉम्बिंग करनी है, आपको लगातार गश्त लगानी है, आपको महिला हेल्प डेस्क लाइन अगर बनाया गया है तो उसको समझना है, महिलाओं की बात सुननी है, समझनी है, जो काम आपको जिम्मेदारी से दिया गया कम से कम उस काम को तो जिम्मेदारी से निभाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन तौर पर ऐसी अगर वहां के एसएसपी या सवाल जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर लगातार वहां पर महिला हेल्प डेस्क बनाई गई तो महिला हेल्प डेस्क आखिर काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? जो पेट्रोलिंग टीम है वो वहां पर समय रहते पेट्रोलिंग करती है नहीं करती है?
सिर्फ मेन सड़कों पर घूम के या पेट्रोलिंग खत्म हो जाती है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अंदर जाकर जहां पर आपराधिक घटनाएं होने की संभावना है वहां पर भी पेट्रोलिंग होती है। तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसे कई सवाल या निशान लगातार वहां के प्रशासन पर उठ रहे हैं, फिर वो चाहे डीएम साहब हो या फिर वहां के कप्तान साहब हो, दोनों लोगों पर ये जिम्मेदारी है जिले को आप व्यवस्थित रखने की, वहां पर आपराधिक घटनाएं ना हो इसको लेकर लगातार जिम्मेदारी है डीएम साहब की और एसएसपी साहब की। उसके बावजूद भी ना तो डीएम साहब कभी निरीक्षण करने निकलते हैं, ना वो ये देखते हैं कि थानों में जो पुलिस तंत्र है वो किस तरह से काम कर रहा है, एसएचओ समय पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, कितनी विवेचनाएं थानों में लंबित है कि नहीं, और कितने मामले में एफआईआर दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है, पीड़ित कोई पहुंचता है तो उसकी थाने में सुनवाई होती है कि नहीं होती है। तो इस तरीके की जो क्रियाकलाप है, जो इस तरीके की जो प्रणाली है, जो जो कार्य जो होने चाहिए एक एसएसपी के जिले में, वो शायद उन्नाव जिले के कप्तान साहब के अंदर नहीं दिखते हैं। और यही कारण है कि आज उन्नाव में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लगातार बच्चियां, लगातार वो बेटियां शिकार हो रही हैं ऐसे लोगों का कि जो न केवल इंसानियत की दुश्मन है बल्कि इस पूरी देश के और पूरी दुनिया के दुश्मन है। तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से पुख्ता होना होगा। और जैसी जैसा कि आपने कहा कि पुलिस ये बात कहती है कि कोई घटना होने से पहले उन्हें जानकारी कैसे हो जाएगी, तो सवाल जैसे ये है कि आज प्रदेश में या जिले में कोई भी काम, आपराधिक काम जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं पुलिस की जानकारी में, पुलिस की नजर में बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है। हम लगातार इस बात को कहते हैं कि प्रशासन अगर पूरी तरीके से मुस्तैद हो तो इतनी दिक्कतें हो ही ना। और ये तो वो खबरें हैं जो मीडिया के सामने आती, तमाम ऐसे केसेस हैं जो मीडिया के सामने नहीं आ पाते। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमाम ऐसी खबरें हैं जो मीडिया के सामने नहीं आ पाती हैं और तमाम ऐसे भी मामले हैं जिनकी कोई किसी को खबर नहीं होती लेकिन वैसे कत्र होते, ये वो कृत्य हैं जो मीडिया के सामने आते हैं और उसके बाद पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो खबरों के बारे में मीडिया को भी जानकारी नहीं होती उनको अंदर ही अंदर दबा दिया जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण आज अपराधियों को प्राप्त है, इस वजह से इस तरीके की वारदातें हम देखते हैं। यशी, ये कोई पहला मौका नहीं है कि पुलिस के संरक्षण में अपराधी पले बढ़े हैं, ऐसा पहला मौका नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, यहाँ आंखों देखी घटना है, उन्नाव का एक राजकीय सम्मेलन टाइप का पुलिस ने कराया था बड़ा, तो वहां पे टॉप 10 जो उन्नाव के मोस्ट वांटेड लोग थे वो उस कार्यक्रम का हिस्सा थे। और ये कोई पहली बार नहीं, कुलदीप सेंगर हत्याकांड से, माफ कर रेप कांड से अगर कहे, हत्याकांड भी उसमें था, उससे भी कोई उन्होंने समझ नहीं ली। जितने अपराधी थे सब पुलिस कस्टडी में आके पीड़िता के पिता को मार के चले जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस का संरक्षण उनको प्राप्त होता है। आज की अगर बात की जाए, जो आप मुझसे पूछ रही थी, वो चार लोग कौन है, वो दूसरे गाँव से उठाए गए चार लोग हैं जिन्हें पुलिस से अब उठाया है। क्या ये लोग इतने इनके हौसले बुलंद हैं, ये किसी की बेटी जो चारा लेने जाती है उसके हाथ पैर बांध कर उनके साथ इतना निर्णकांड करते हैं जिन्हें किसी का डर नहीं है? अगर बात की जाए आनंद कुलकर्णी की, तो ये क्या करते हैं, ये अब बता रहे हैं कि उनकी शरीर में चोट के कोई निशान नहीं है, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट बताएगी एसपी महोदय, ये आप नहीं बताएंगे, आपको ये बताना है कि ये घटना हुई कैसे, यहां पर आपको ये बताना है कि इन घटना के लिए कितना ज्यादा जो लोगों के अंदर उस कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि हम कोई भी घटना उन्नाव के अंदर कर देंगे और प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता है। ये जो बात आज अपराधियों के मन में आ गई है, कहीं ना कहीं इसको खत्म करना होगा, वो चाहे जिले के डीएम हो और चाहे डीएम के जिले के एसएसपी, पूरी घटना हुई है। लाख ये बात कर ली जाए कि अपराध जो है वो नियंत्रण में है, जो बेटियां हैं वो खुले में रात के 12 बजे भी घर से बाहर निकल सकती हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मामला हमारे सामने आया है आप इसे देख सकते हैं कि कैसे तीन लड़कियां अपने ही खेत में जाती हैं चारा लेने के लिए और उसके बाद उनकी हमें ये स्थिति देखने को मिलती है कि दो बेटियों की मौत हो जाती है और एक बेटी अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहना सिर्फ और सिर्फ कागजी पन्नों में खाना पूर्ति है कि अपराध नियंत्रण में है, लेकिन अपराध नियंत्रित नहीं है, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देने वाले यही जिम्मेदार है जो हमारी जिम्मेदारी लेकर बैठे। यशी, अगर एक बात की जाए कि ये कैसे होता है, अगर अनिकेत हवाई संवाददाता, इनको पता है जितने नए पुलिस वाले भर्ती हुए हैं उनको लोगों से पैर छुआने में बड़ा मजा आता है, वो अधिकारी, वो जो नए पुलिस वाले हैं ये बड़ा अधिकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आपराधिक लोगों से पैर छुआने में बड़ा वो करते हैं, संकोच नहीं करते कि मेरे चार लोग आके पैर छुए, 22-24-25 साल का दरोगा हूँ, मेरे अगर कोई अपराधी पैर छुएगा तो जिले में मेरी रौनक बढ़ेगी। अनिकेत, मेरी इस बात से कितना से अनिकेत आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डीजीपी महोदय बड़ी बातें करते हैं, विवेक तिवारी हत्याकांड हो गया, वो उनके राज में नहीं हुआ लेकिन तब भी वो अधिकारी थे, हम लोगों ने बिकरू 2.0 कासगंज में देख लिया, हाथरस का वो कांड,
अगर बात की जाए उन्नाव में एक और घटना, उसके बाद भी हितेश चंद अवस्थी को इतना समय नहीं है कि वो प्रदेश की जनता के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज 2 से 2:30 बजे के बीच आनंद कुमार एडीजीएलओ आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस घटना के बारे में 4 लोगों को पेश कर देंगे वो। लेकिन डीजीपी महोदय को इतना समय नहीं है कि वो जनता के समीप आकर ये कह सके कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मेरी पुलिस विभाग से गलती हुई है, वो कभी नहीं कहेंगे। जी देखिए विशाल, यकीनन तौर पर अगर बात की जाए पुलिसिया तंत्र की, तो आज पुलिसिया तंत्र इतना कमजोर हो चुका है, अधिकारियों के आगे कहीं ना कहीं नतमस्तक हो रहा है। जितने भी बड़े अधिकारी, जितने भी बड़े माफिया गैंगस्टर जो है, वो कहीं ना कहीं पुलिस पर अपना रौब, अपना रसूख लगातार जमाते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी धाक देखने को मिलती है। इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं, उन्नाव का ये मामला जिस तरह सामने आया है, तो यकीनन विशाल उन्नाव में जो इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आखिर उन्नाव प्रशासन उन पर क्यों कार्रवाई नहीं करता है? क्यों एक लिस्ट तैयार नहीं की जाती है जो मोस्ट वांटेड अपराधी उन्नाव के हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर क्यों उन पर कार्रवाई का दौर नहीं शुरू किया अभी तक कप्तान ने? क्यों डीएम साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया? तो तब बनाई जाएगी ना जब उनको उनसे उनको उगाही का पैसा नहीं मिल रहा होगा। लिस्ट तो तब बनेगी, पैसा टाइम पर पहुंच रहा है, क्या जरूरत है? जनता मर रही है तो मरने दीजिए। हमारे साथ कानपुर से है सारिका गुप्ता भी जुड़ी हुई है। सारिका, मैं आपसे अपडेट जानना चाहूंगी कि जिस लड़की को भर्ती कराया गया एमरजेंसी अस्पताल में, उसकी हालत कैसी बनी हुई है? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? सारिका की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिकेत, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार हम ये खबरें पढ़ते हैं, कासगंज की अगर हम बात करें, पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया था बिकरू कांड से। बिकरू कांड में हमें अच्छे से याद है, विकास दुबे बहुत ही टशन के साथ जब उज्जैन में पकड़ा गया था, तो उसने कहा था मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पूरा यकीन था कि हमें बचा लिया जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये जो हमला है वो मेरे साथ खड़ा है। उसके बाद कासगंज में हमने ये मामला देखा। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के साथ भी हाथरस कांड हमने देखा, उन्नाव में एक जो घटना बहुत प्रचलित थी हमने उसको देखा। कहीं ना कहीं ऐसे तमाम घटनाएं हम देखते हैं। अनिकेत आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से खेत में 3 लड़कियां पड़ी हुई मिली, जिसमें से 2 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिसे रेजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि उस बच्ची का इलाज करा सके, लेकिन फिर भी वो इलाज करवा रहे हैं उसका, और उस मामले को ऑनर किलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरीके के मामले, तमाम ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। और उन्नाव हादसे में आपको बड़ा अपडेट बता देते हैं, ऑनर किलिंग की ओर घूमी है सोई। ऑनर किलिंग की ओर से ये जोड़कर देखा जा रहा है मामला। उन्नाव मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, ऑनर किलिंग की ओर घूमी सोई। पुलिस ने 4 रिश्तेदारों को हिरासत में लिया है, जैसे कि अभी विशाल भी बता रहे थे कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्नाव मामले में एक नया मोड़ सामने आया। आपको बता दें कि खेत में 3 लड़कियां एक ही दुपट्टे से बंधी हुई मिली और उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जिसमें से डॉक्टर ने 2 लड़कियों को मृत घोषित किया और एक लड़की की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक थी, जिसे पहले तो जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और वहां से उसे हैलट अस्पताल रेफर किया गया और हैलट के बाद उसे रेजेंसी रेफर किया गया। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलिसिया प्रणाली लाचार हो चुकी है, इसकी कार्यशैली पर हर बार इस तरीके के सवाल उठते हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं बन रही, ना ही कोई जवाब देने के लिए सामने आता है। हमारे साथ सारिका जुड़ी हुई है। सारिका, मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी उस बच्ची का जो कि रेजेंसी में भर्ती है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना? देखिए, अभी तक जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। लगातार उसको ऑपरेशन थिएटर में रख के उसका उपचार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ की प्रशासन की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर एक गाड़ी फोर्स आया हुआ है और लगातार अंदर जाकर जांच पड़ताल करी जा रही है, लोगों से पूछताछ करी जा रही है, लेकिन किसी को भी ना ही कोई जानकारी अंदर से दी जा रही है और ना ही कोई कुछ डॉक्टर यहाँ पर कुछ भी बता रहा। हालत जो है उस लड़की की बहुत गंभीर बनी हुई है और अभी तक की इसका पूरे तरीके से खुलासा भी नहीं किया गया है कि क्या वजह रही है, और डॉक्टर जो है वो लगातार उपचार कर रहे हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहे। बिल्कुल सारिका, हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, जैसे कि आपने सुना कि डॉक्टर्स भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव प्रशासन का इतना ज्यादा है कि पीड़ित परिवार को कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है और डॉक्टरों से भी बोलने को मना कर दिया गया है, ताकि कोई भी जानकारी मीडिया तक ना पहुंच सके।
यशी, हंसी आएगी आपको ये जान के कि पीड़ित परिवार रात से थाने में बैठा है। या आप सोच सकती हैं पीड़ित परिवार रात से थाने में बैठा हो, गांव वाले धरने पे बैठ गए, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, मीडिया कर्मियों को गांव जाने से रोक दिया गया है। हाथरस कांड की तरह इसमें भी मीडिया कर्मियों को दूर किया जा रहा है, गांव के लोगों से बोलने को मना कर दिया गया। ऐसे तमाम बातें सामने आ रही, जब मैं वहां लोगों से पूछ रहा हूं, मैं लगातार लाइव में वहां के लोगों से हालचाल जान रहा हूं, तो उनका साफ कहना है कि भैया मीडिया कर्मियों को ही आने को मना कर दिया है और जो पीड़ित परिवार है उसको बोलने को बिल्कुल डरा धमका दिया है। ये पूरी चीजें चेंज हुई है जब आईजी लक्ष्मी सिंह, आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह लखनऊ से उन्नाव की ओर आई है। इससे पहले ऐसे सावंत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ रेंज के थे, तब वो पहुंचे, उन्होंने भी चीजों को थोड़ा अपनी ओर लिया। कहीं से भी कोई पुलिस की गलती को मानने को तैयार नहीं है कि अगर वो रात पेट्रोलिंग करे गांव में, एक जाए पेट्रोलिंग करे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हाईवे से लगे गांव में जाकर हाईवे पे गाड़ी रोककर उनको अपना जो काम करना है वो करके निकल जाएंगे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अब आकर उनको पता चला है कि अब जांच करनी चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए। क्या आप उस गांव में अगर पता किया जाए तो कितनी दूर चौकी है ये भी पता करना चाहेंगे? अभी हम लोग भी जाएंगे, हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं, हम लोग वहां जाएंगे, देखेंगे कि वहां कितनी दूर है वहां से चौकी। क्या वहां के पुलिस वालों के पास इतना समय नहीं है कि जाए? अगर एक पीड़ित जिंदगी और मौत की भी लड़ रही है, बिल्कुल वो मरने की हालत में है, उसके बाद प्रशासन जागा है, वो कह रहा है कि हम चार लोगों को उठा के लाए, इनसे पूछताछ कर, अभी भी आप पूछताछ कर रहे हैं? यहां तक कि मेरे जानने वाले उसी गांव के वो बता रहे हैं मुझे कि कल रात में पीड़िता के पिता ने इतना बड़ा बयान दिया कि मतलब कोई सुन नहीं सकता, कि मेरी बच्चियों को रात में मत जला देना। यह बयान सुन के जिसने सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। पुलिस से ये उम्मीद रखते हैं लोग आज की डेट में, उन लोगों के पास मोबाइल फोन तक नहीं है कि वो फोन कर सके पुलिस को। गांव के लोगों ने पुलिस को इत्तला किया है, उन लोगों की किसी से क्या दुश्मनी होगी, और जिन्होंने ये अपराध किया उनको जल्द से जल्द सामने लाना चाहिए। बिल्कुल विशाल, और उन्नाव खबर से जुड़ी आपको एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं। उन्नाव से जुड़ा आपको बड़ा अपडेट बता देते हैं, दो लड़कियों को डॉक्टरों ने आपको बता दें कि मृत घोषित कर दिया था, और एक लड़की रिजेंसी अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उन्नाव मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को नजरबंद किया गया है ताकि वो मीडिया से मुखातिब ना हो सके, मीडिया से मिलने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई हैं। यही बैरिकेडिंग और इतनी सुरक्षा बल अगर पहले लगा दिया जाए तो शायद ये घटना ही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हॉरर किलिंग की ओर ये सुई घूमी हुई नजर आ रही है। पुलिस ने चार रिश्तेदारों को फिलहाल हिरासत में लिया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। उन्नाव मामले में आपको बता दें कि नया मोड़ आया है, हॉरर किलिंग मामले से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, और आपको बता दें कि अब बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात कर दिया गया है, और परिवार को नजरबंद कर दिया गया है, और मीडिया से मिलने पर रोक लगा दी गई है। और उन्नाव मामले में आम